शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, डॉक्टर ने कहा है कि अब खाला की तबीयत बेहतर है। मेरा ख्याल है कल तक डिस्चार्ज कर देना चाहिए। ये दवाइयाँ हैं, हर खुराक के बाद इनको वक्त पर देना होगा। कि देख लो और दवाइयाँ रख लो, मैं घर जा रहा हूँ। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दे। हिदुरे अदन से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। किसी पर बहतान लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। मैं गुनहगार हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ। शिदुरे अदन से हाथ जोड़ कर माफी मांगू। इस बात के बारे में सोचना छोड़ दो तुम शिदुरे। गुजरा हुआ वक्त पलट के वापस नहीं आता। माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है, ना मुझसे ना अदन जी से। अपना और खाला का ख्याल रखना। देख लें अम्मा उर्फी भाई को, ये वक्त हो गया और अभी तक घर नहीं आए। चुप कर जा, मुझे पहले बहुत फिक्र हो रही है। पता नहीं कहाँ है, खुदा जाने, फोन भी नहीं ना उठा रहा। सोच रही हूँ उसके अब्बा जी को कहूँ कि उठ के जाकर जरा पता तो करें। मैं तो कहती हूँ नजर रखें पूरी पूरी, पता नहीं किन चक्करों में है। है कोई चक्कर नहीं है, कौन सा चक्कर होना है। वो तो बेचारा अपनी जिंदगी से वैसी आवाजार है, इतनी मुझे उसकी फिक्र है सच्ची। हाँ हाँ जानती हूँ, मेरे अलावा ना आपको इस घर में सबकी फिक्र है। याद रख ले अम्मा एक बात, अगर उजड़ के घर आके बैठ गई ना तो मुझे तो जो तकलीफ होगी सो होगी, आप और अब्बा का भी सकून बर्बाद होगा। खुदा दा खौफ कर, क्या बकवास निकाल रही है मुंह से। अल्लाह ना करे तू उजड़े, उजड़े तेरे दुश्मन। अल्लाह मियां तुझे बाद रखे, शादो बाद रखे हमेशा। बस रहने दे अम्मा,